इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, तो और दूसरे एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज की तरह इसमें भी जो फार्मिंग है वो छोटे से लेकर बड़े फार्म्स तक वेरी करती है। और अलग अलग तरह के जो डिफरेंट टाइप के जो फार्मर्स हैं वो अलग अलग मेथड्स का यूज़ करते हैं। किसी के पास कम लैंड है और किसी के पास ज़्यादा लैंड है, कोई ज़्यादा मनी उसमें इन्वेस्ट करता है, कुछ कम करता है, किसी के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो कोई फार्मर सभी टेक्नोलॉजीज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करता है और कोई बिल्कुल ओल्ड तरीके से एग्रीकल्चर करता है। तो शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि मनी या फाइनेंशियल कंडीशंस ये अलाउ करती हैं किसी भी फार्मर को कि वो डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस का को एडॉप्ट करें या अलग अलग तरह की जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उनका वो यूज़ करें। अब देखिए, एक बहुत बड़ा रिलेशन है हायर इनपुट और यील्ड के अंदर। जैसे फार्मर की जो परचेजिंग कैपेसिटी है, यानी कि उसके पास पैसा कितना है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है उसका क्रॉपिंग पैटर्न और प्रोडक्शन की प्रैक्टिसेस। और इसीलिए प्रोडक्शन जो प्रैक्टिसेस हैं वो अलग अलग लेवल की हो सकती हैं। जैसे पहले आती है नो कॉस्ट प्रोडक्शन। अब नो कॉस्ट प्रोडक्शन में क्या होगा, जैसे कोई भी फार्मर अपनी क्रॉप को बो रहा है तो उसके लिए वो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करे। जैसे वो पिछले साल से जो उसकी क्रॉप हुई होगी उन्हीं सीड्स का वह यूज़ कर ले नेक्स्ट क्रॉप बोने के लिए। और अगर इरिगेशन की बात करें तो उसमें इरिगेशन के लिए जो वो नेचुरल तरीके से रेन हो रही है उसी का वो यूज़ करके अपनी क्रॉप को इरिगेट कर दे। ठीक है, किसी भी तरीके की जो फर्टिलाइज़र्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इनका वो यूज़ ना करे, इसमें कोई भी पैसा खर्च ना करे। तो इस तरह का क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है नो कॉस्ट फार्मिंग। ठीक है, अब लो कॉस्ट फार्मिंग क्या आती है। लो कॉस्ट फार्मिंग में अब हमने जैसे आपको दो तीन चीज़ें बताई कि उसको सीड खरीदने हैं, उसको इरिगेशन के लिए पानी का यूज़ करना है, या फिर और जैसे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इनको खरीदने के लिए वो किस चीज़ में, मान लो ये तीन चीज़ें हैं तो इसमें से एक या दो चीज़ में वो पैसा इन्वेस्ट कर देगा अपना, तो इसको बोलेंगे हम फिर लो कॉस्ट फार्मिंग, कि पैसा तो लगा रहा है वो पर बहुत ज़्यादा नहीं लगा रहा। और तीसरी तरह का आता है हाई कॉस्ट फार्मिंग। अब हाई कॉस्ट फार्मिंग क्या है, इसमें वो अच्छी क्वालिटी के सीड्स जो हैं वो परचेज़ करेगा, अच्छी वैरायटी के सीड्स को परचेज़ करेगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को अपनाएगा, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, इन पे पूरा खर्चा करेगा, और इरिगेशन के लिए भी वो आर्टिफिशियल जो मेथड्स हैं उनमें वो पैसा खर्च करेगा। तो इस तरह की जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं वो हाई कॉस्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस में आती हैं। तो ये थी डिफरेंट टाइप की फार्मिंग प्रैक्टिसेस।